आप देख रहे हैं MP7 न्यूज। सच तो सच है, हर खबर सत्यता पर आधारित। देखते रहिए MP7 न्यूज। नमस्कार, मैं हूँ शिवानी धाकड़। आप देख रहे हैं लाखों दर्शकों की पसंद MP7 न्यूज वेब एंड यूट्यूब न्यूज चैनल। आज हम आपको एक ऐसे चमत्कारी भूमि के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने आप में एक विशेष तपोभूमि है, जहाँ भक्त के तप से भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उपस्थित होकर दिए भक्त को दिव्य दर्शन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के उस जिले की जो राजस्थान व गुजरात की सीमा से लगा हुआ है, और वो है मंदसौर जिला। मंदसौर जिले में एक ऐसा गांव है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात दर्शन देकर अपने शिष्य बुद्धेश्वर स्वामी पर बरसाई कृपा। लगभग 80 वर्ष पूर्व भारत भ्रमण करने वाले बुद्धेश्वर स्वामी ने अपनी तपस्या से गांव सूठी में कुछ करने का संकल्प किया था। उनके शिष्य गृहस्थ जीवन जीने वाले प्रताप राय त्रयंबकम स्वामी वर्ष 1999 में गांव सूठी में सपरिवार पधारे और गुरुदेव बुद्धेश्वर स्वामी के संकल्प को पूरा करने हेतु गाँव सूठी की तपोभूमि पर भगवान श्री राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण स्कंद अष्टमी को करवाया गया। अति सुंदर व तीर्थ स्थल के रूप आज सूठी गांव का मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध है। मंदसौर से सुमासरा रोड व्याहा कचनारा मुख्य सड़क से लगभग 3 किलोमीटर दूर है यह अति सुंदर व तपोभूमि सूठी। जब MP7 न्यूज़ की टीम सूटी पहुंची, तो मनोरम मंदिर को अपने कैमरे में कैद करने के पर हुई मजबूर। जब हमारी टीम ने ग्रामीण जन से इस अति सुंदर मंदिर व तपोभूमि के लिए चर्चा की बात कही, तो सब स्तब्ध रह गए। इतना चमत्कारी स्थल है सूटी। जब गांव के शास्त्री जी पंडित राजकुमार व्यास से चर्चा की गई, तो उन्होंने मंदिर पर पहुंचकर दी पूरी जानकारी व बताई मंदिर की व इस विशेष तपोभूमि की विशेषताएं। देश सहित विदेशों से आते रहते हैं दर्शनार्थी। MP7 न्यूज टीम भी आपसे आग्रह करती है कि आप जब भी अवसर मिले, आप एक बार अवश्य इस चमत्कारी स्थल पर जरूर पधारें। हम हर प्रकार की खबर आप तक लेकर उपस्थित हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब व लाइक जरूर करें व बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से हर खबर आप तक आसानी से पहुंच सके। आज हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के लगभग सीतामू और मंदसौर तहसील के जो संगम है, उस भूमि पर जिस गांव का नाम है सूठी। आज हम यहां पे उपस्थित है। यहाँ का जो एक प्राचीन मंदिर है, भगवान राधा कृष्ण यहाँ पे विराजित है। यहाँ पे गुरुदेव जो प्राचीन काल में यहाँ पे रहते थे, जो अभी ब्रह्मलीन है, यहाँ पे ग्रामवासी जो सूठी के निवासी है, जो यहाँ के पुजारी जी भी यहाँ पे उपस्थित है। सुनने में आया है कि ये एक बहुत ही प्रचलित यहाँ का मंदिर है, जो बॉम्बे के किसी परिवार द्वारा यहाँ पे उनकी स्वेच्छा से गुरुदेव की स्मृति में उन्होंने यहाँ पे इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आइए जानते हैं कि क्या बताते हैं यहाँ के पंडित जी। जी, मैं राजकुमार व्यास, गांव सूठी का रहने वाला हूँ। यहाँ पर जिस स्थान पर हम खड़े हैं, ये तपोभूमि है। यहाँ पर कम से कम 75 साल पहले पूज्य श्री बुद्धेश्वर स्वामी जी के द्वारा तप किया गया, भगवान श्री कृष्ण की आराधना की गई। उनको 11 महीने का जो संकल्प था, उसमें 9 महीने के अंतराल में 10 और 9 महीने के बीच में उनको साक्षात इसी भूमि पर जहां आप खड़े हैं, साक्षात श्री कृष्ण भगवान के दर्शन हुए। उनकी मन इच्छित कामना पूर्ण हो गई और यहां से वह अपने भारत भ्रमण के लिए, तीर्थाटन के लिए निकल गए। उनके मन में कई बार लालसा रही कि मैं सूठी में कुछ ऐसा करूँ कि इसकी स्मृति चिरकाल तक बनी रहे। हमारा भी दुर्भाग्य रहा, कई वर्षों तक उनसे हमारे दर्शन होते रहे। गुरु पूर्णिमा पर यहाँ के हमारे बुजुर्गवार लोग जाते रहे, उनका सानिध्य मिलता रहा, उनका आशीर्वाद रहा। लेकिन क्या है कि अति व्यय की वजह से गांव की देहात की स्थिति कमज़ोर थी, हम इतना खर्चा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक बार गुरुदेव ने गुरु पूर्णिमा पर एक हमारे निवेदन को स्वीकार कर लिया, और उनके जो साथी लोग थे, उन्होंने कहा कि तुलसी पत्र से राजी हो जाएंगे, और 1999 में गुरुदेव यहाँ पधारे। इसी भूमि के ऊपर यहाँ पर खेत था,
यहाँ पर पधारे, गांव के सानिध्य में रहे, सब लोगों के साथ रहे। उनके मन में एक संकल्प जागृत हुआ कि इस भूमि पर मैं राधा कृष्ण भगवान को विराजित करूं। उनके बहुत सारे अनुयायी थे, जो अमेरिका के थे, गुजरात के बड़ौदा के थे, वासत के थे, मैसाणा के थे, आनंद के थे, बलसाड़ के थे, मुंबई के थे। एक पूज्य संत, गृहस्थी संत श्री प्रताप राय त्र्यंबकलाल जी मेहता, उनके सपरिवार, उनके ज्येष्ठ पुत्र भाव अतुल भाई और उनके छोटे भाई भावेश जी, सब परिवार आए और 2009 के अंतराल में उन्होंने स्कंद षष्ठमी को यहाँ पर भगवान की श्री लीला को स्थापित कराया। उनके संकल्प से यह कार्य पूर्ण हुआ। पूज्य गुरुदेव की इस तपस्थली पर उनके आदेश से हमने यहाँ 125,000 हनुमान चालीसा का आयोजन किया। उसका पुण्य प्रताप निरंतर चलता रहता है। यहाँ पर सभी भक्त लोग आते हैं, हनुमान चालीसा, गोपाल सहस्त्र नाम संकीर्तन करते हैं, जिसमें पूरे गांव को उनका सानिध्य आशीर्वाद अभी तक निरंतर मिलता आ रहा है। हम तो यही कहेंगे, गुरुदेव का एक शब्द हमारे लिए कि बंसीवाला सबका भला करेगा। आप तो मंदिर में आइए, भगवान की शरण में रहिए और आपका भला बंसीवाला करेगा। गुरुदेव न किसी को गुरु मंत्र देते थे, न कोई चमत्कार में विश्वास करते थे। गुरुदेव सत्य के उपासक थे, सत्य की उन्होंने खोज करी, भगवान का साक्षात्कार उनको मिला और न जीवन में उन्होंने कभी स्वर्ण नाम की धातु के हाथ लगाया, न किसी पैसे के हाथ। राजकुमार व्यास, मैं साधारण पंडित ही का काम करता हूँ और सत्य का उपासक हूँ, देवी भगवती की आराधना करता हूँ। सर, मेरा एक ही उद्देश्य गाँव वालों का कि जहाँ गुरु जी ने जो तपस्या की और तपस्या का लाभ सभी, जहाँ तक आपका चैनल की आवाज़ जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक सभी लोगों का इसका लाभ मिले, गुरुदेव की तपोभूमि का। और गुरुदेव की जो असीम कृपा है, इसका तो वर्णन हम किसी प्रकार से कर ही नहीं सकते सर। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही चाहूँगा सर कि इस मंदिर का आप जो लोकेशन है, इसकी जो यहाँ की महिमा है, आप सब दूर पहुँचाए। और गुरु जी तो वैसे तो उनका जन्म तो डल्ला पंजाब का है, लुधियाना जिले का जगराव तहसील डल्ला गांव, पर वो जन्मभूमि सूटी को मानते हैं। तपस्या स्थली होने से सर। नाम है सर बंसीलाल पाटीदार। हम यहां पे उपस्थित है जो मंदसौर जिला सहित तहसील का जो गांव है, अंतिम छोर पे बसा हुआ सूटी, यहां पे भगवान श्री राधा कृष्ण का जो मंदिर है, यहां की जो महिमा है उनका बखान यहाँ के पंडित जी द्वारा और ग्रामवासियों द्वारा पूरी जानकारी यहाँ पे MP7 न्यूज के हमारे जो कारूलाल जी भाटी है उनके माध्यम से यहाँ पे दी गई है। मैं चैनल के माध्यम से भी आग्रह करूँगा कि इस पावन पुनीत धरा पर पूरे हिंदुस्तान के जितने भी श्रद्धालुजन है एक बार इस स्थल पर अवश्य पधारे। मंदसौर मध्य प्रदेश का जिला है जो संसदीय क्षेत्र है और लगभग वहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव सूटी बसा हुआ है, तो एक बार आप दिव्य देव दर्शन हेतु अवश्य पधारें।